इस समय हम जनपद उन्नाव के फतेहपुर चौरासी शीतला देवी प्रांगण के पास में खड़ा हूँ, जहाँ पर लगभग दो वर्षों से शिवरात्रि पर्व पर महाकाल और उनके ग्रुप के करीब एक दर्जन कलाकार आते हैं और यहाँ जो शिवरात्रि पर्व पर मेला लगता है उसमें वो काम करते हैं। और यहाँ क्षेत्र के लोग बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से यहाँ कथा भागवत एक आज कराकर ये शिवरात्रि पर्व को मनाते हैं। हम यहाँ जो शंकर जी का रोल अदा करते हैं हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के ही रहने वाले ही फतेहपुर चौरासी के मूल निवासी हैं। हम उनसे ही ये जानेंगे किस तरह से उन्होंने ये अपना कार्य शुरू किया और कहाँ कहाँ तक उनका कार्य चलता है। अपना परिचय बताएं। जय बाबा की। मैं अंकित महाकाल उन्नाव से, पत्थर चौरासी जिला उन्नाव से। मैं बस देख देख के आज बाबा की कृपा मेरे पास, तो यहाँ पे खड़ा हूँ। बस बाबा की दुआ रहे से। ये बताइए कि आप ये कार्य कब से कर रहे हैं? ये हमको गया 5 साल से मैं पता चला रहा हूँ। आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि ये कार्य करने के लिए, भगवान भोलेनाथ का रोल अदा करने के लिए? बस बाबा की कृपा, देख देख के आज मैं इस जगह पर खड़ा हूँ। कहाँ कहाँ तक आपका कार्य चलता है? आपकी टीम में कितने लोग हैं? मेरी टीम इसमें तो 12 लोग हैं, कल मेरी टीम बढ़ जाएगी। और मैं बिहार, नेपाल हर जगह घुमाया हूँ और तो बहुत सारी जगह जाती हूँ। कौन कौन सा रोल आप करते हैं? मैं इसमें शंकर जी और काली जी करता हूँ, बाकी मेरे लोग हैं, भाई लोग भी हैं साथ में। कौन सा रोल आप विशेष महत्वपूर्ण महसूस होता है? बस बाबा कृपा में ज़्यादा है कि मैं शंकर जी करता हूँ। तो आपके पास रोल करने की क्या क्या वस्तुएं आप यूज करते हैं, उपयोग करते हैं? आप जो मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें, मैं हर साल नया नया कुछ दिखाता रहता हूँ, इसीलिए हम आपको ये आत्मिया समाचार के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि आप कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, कैसे आप ये पूरा रोल कर पाते हैं। मैं तो जो नई चीज़ देखता हूँ, जैसे कि जो सांप दिखाते हैं आप, वर्जनल सांप होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं? वर्जनल सांप दिखाते हैं। जो सांप आप गले में लपेटते हैं वो वर्जनल सांप होते हैं? वर्जनल सांप होते हैं। अच्छा अच्छा। इसी तरह से कौन सी नई वस्तुएं हर साल, जैसे यहाँ पर फतेहपुर चौरासी में आप आए हुए हैं, इससे पहले भी आए हुए थे, तो यहाँ पर इस वर्ष क्या नया करने वाले हैं? नया साल इस बार तो नाइट में नहीं हुआ था, शिवरात्रि वाले दिन, और अब की नाइट में अब अलग ही दिखाऊंगा मैं। जैसे कि आप मेरे आरपीएस समाचार के दर्शकों को बताइए, जिससे कि वो यहाँ पर आपके पास तक पहुँच सके और आपको देख सके। कल आइए, देखिए बाबा के दरबार में, शीतला देवी मंदिर के। ऐसी चीज़ कल दिखाऊंगा, हो सकता है उन्नाव में कहीं पे कोई चीज़ ना दिखाई हो। 31 मुखी के साथ काली जी दिखाऊंगा, 31 मुखी काली जी का दर्शन कराएंगे यहाँ। और जिंदा सांपों के साथ अजगर दिखाएंगे 20-20 किलो के। मतलब यहाँ पर जो श्रद्धालु आपको लाते हैं तो और जगह का टाइम निकाल कर आते हैं या पहले से बुकिंग एक साल पहले से हो जाती है कि यहाँ पे अगले साल भी आप ही आएंगे? तो मेरा गांव का काम है, घर का काम है, तो मैं कहीं बुकिंग लेता नहीं हूँ। बुकिंग बहुत आते हैं मेरे पास, मैं बुकिंग कहीं लेता नहीं हूँ, सिर्फ बाबा की चुरा बना के यही करता हूँ। बहुत काम आते हैं, मना कर देता हूँ। ठीक ठीक। और आगे क्या आपने योजना बना रखी, हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे? बाबा की कृपा रहे, अच्छा चलता रहे, आगे जाकर और बढ़े और अच्छा हो। तो भारतीय समाचार के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप जो आपकी समाचार आते हैं।